वहीं हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने पर हरियाणा युवा कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी की जाएगी, जिसमें खेल प्रतियोगिता, ब्लड डोनेशन, कल्चरल प्रोग्राम, पदयात्रा, फोटो प्रदर्शनी युवा कांग्रेस द्वारा देश भर में किया जाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा अलावलु के नेतृत्व में किया जाएगा। हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बैनर तले विभिन्न प्रोग्राम किए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव पर बोलते हुए कहा कि सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं, 6 साल के बाद NSUI द्वारा अध्यक्ष पद पर परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अपनी ताकत लगाई गई थी और छात्रों ने सरकारी ताकतों को दरकिनार करते हुए छात्रों की जीत हुई है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग जिलों में उन्हें इनवाइट करेंगे और उसके अलावा प्रदेश के अंदर हम एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है यूथ कांग्रेस का, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे और 3 महीने में मुझे लगता है कि 2 या 3 बड़े कार्यक्रम हरियाणा युवा कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की समूची लीडरशिप के अंदर, इकट्ठी लीडरशिप के अंदर हम लोग करेंगे। लेकिन प्रत्येक जिलों में जहां जहां ये कार्यक्रम होंगे तो वहां के जो जिले के हमारे मुख्य नेता हैं उनको इसके अंदर सम्मिलित करवाया जाए। पीयू के इलेक्शन में कैसा प्रश्न? बंधुओं का यहां पे स्वागत है। यहां पे उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, यहाँ पे सभी पदाधिकारी, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मेरा नाम अरुणा महाजन है, मैं हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ और अभी मैं हरियाणा प्रदेश में सह प्रभारी के तौर पे कार्यरत हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से दिव्यांशु भाई ने भी बताया कि हम जो है आज जिस तरह से राहुल गांधी जी को पूरा एक साल लगभग